मोहनलाल वाण, सुरदाना ग्राम पंचायत से सरपंच निर्वाचित हुआ हूँ। मेरे गांव में कई मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। मैं सोचता हूँ कि मूलभूत सुविधाओं का जो अभाव है उनका ज़्यादा से ज़्यादा मैं समाधान करवा सकूँ राज्य सरकार से मदद लेके। जैसे प्रथम तो मेरे गांव में आबादी भूमि नहीं है, काफ़ी लोग जोड़ पाइतने बैठे हैं, उनके लिए जल पेयजल की चिकित्सा की सुविधा नहीं है। अतः मैं यही चाहता हूँ कि वहाँ आबादी काट के उन लोगों का राज्य सरकार से परमिशन लेकर आबादी कटवाते हुए उनका वहाँ स्थायी रूप से निवास जो बने हुए हैं उनमें मैं उनकी मदद कर सकूं। और जो पेयजल की कमी है, मेरे गांव में स्टोरेज का कोई नहीं है, स्टोरेज टैंक नहीं है, तो मैं पीएचडी से बड़ा सा एक स्टोरेज टैंक बनवाऊं जिसमें कम से कम 15 दिन का पानी का स्टोरेज हो सके। जब तक मेरे गांव में पाइपलाइन चलती है अंसेरा से, तब तक तो पानी पूरा है। पाइपलाइन बंद होते ही पूरे गांव में पानी की कोई सप्लाई की सुविधा नहीं है। अतः मैं ये दोनों काम प्राथमिकता से करना चाहता हूं। उसके बाद गांव बड़ा है, प्राथमिक स्कूल हरिजन मोहल्ले में, जैसे मेघवाड़ा का मोहल्ला है गाँव से अलग थलग है, तो उसमें एक प्राथमिक स्कूल हो जाए तो छोटे बच्चे उनमें पढ़ेंगे, बड़े होने के बाद वो सीनियर सेकेंडरी में आएंगे। तो छोटा बच्चा है वो गली मोहल्ले में से बाहर जाता है, पशु है कुत्ते हैं और उनसे उनकी सुरक्षा के लिए उनके गार्जियन साथ में आते हैं, तो उसमें दिक्कत होती है। अतः मैं यही चाहता हूँ कि उनके लिए अलग से स्कूल हो, अलग से उनके लिए कॉलोनी हो, अलग से उनके लिए मंदिर है या धर्मशाला है या रोड है। गरीब तबके का मैं काम सबसे पहले करवाना चाहता हूँ, यही मेरा मतलब सोच है। और मैं जिस भावना से जनता ने मेरे को बहुमत से जिताया है, मैं उस पर खरा उतरने की पूरी पूरी कोशिश कराऊँ। मेरे गांव में 5-6 DLM मेरे गांव से करीब 9 किलोमीटर पड़ता है, तो वहाँ चक्कों में जाने के लिए पक्की रोड की अति आवश्यकता है। अतः मैं यही चाहता हूँ कि मेरे टाइम में 9 किलोमीटर पक्की डामरीकरण रोड बन जाए तो आने जाने की सुविधा हो जाएगी। वरना मेरे वहाँ से जो ट्रैक्टर ऊँट गाड़ी आते हैं तो बहुत असुविधा होती है उनको आने जाने में, नहीं वहाँ कोई आने जाने का दूसरा कोई ट्रक बस या टैक्सी नहीं लग रही है। कच्चे होने के नाते वो लोग पैदल आते हैं। अगर वहाँ तक पक्की सड़क बन जाएगी तो आवागमन का साधन होगा, तो लोगों का समय और समय की बचत होगी। यही मैं गांव से निवेदन करता हूं कि मेरा इसमें सहयोग करें और 5 साल तक मैं ईमानदारी से मेरा कर्तव्य का निर्वहन करूंगा। जय हिंद, जय भारत।